ये इसके ऊपर फटना है, एक टीवी रख देना साइड में, धूप में क्यों ठीक है। रुक 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 रुक, अपने पास है एक चीज कई, ये है तो बिल्कुल मुकाबले की शुरुआत, चलते हैं मुकाबले की तरफ। एक शानदार मुकाबला है, जय दुर्गा मुर्गी विपक्ष गावदेव ओम साई कुलवाड़ी के बीच में टॉस जीता कुलवाड़ी टीम ने, रविंद्र भोईर इस टीम के कप्तान, और यहां से आरंभिक गेंदबाज निखिल नाइक। अष्टपाटिल ने इस गेंद को टैप करने की कोशिश की थी, कवर के ऊपर से इस गेंद को खेला, लेकिन गेंद देखते देखते सीमा रेखा के बाहर, शानदार चौका। तो देखना इस बीच, ये देखिए लॉन्गन की तरफ, लेकिन महेश अगलावे वहां पर गेंद को रोकने की कोशिश में थे। जब तक गेंद को रोके, गेंद को उठाए फेंके, तब तक पर्याप्त समय था दो रन लेने का महेश पाटिल के पास, और इन दो रनों के साथ महेश पहुंचे छह पर, टीम का टोटल स्कोर आ चुका है छह रनों के ऊपर। एमबी पाटिल, इनका भी यहाँ पर आगमन होता हुआ, आइए मंच के ऊपर, स्वागत है आपका। तो देखना इस बीच गेंदबाजी में निखिल नाइक है, सामने बल्लेबाज महेश पाटिल, और भी टीम की आरंभकता की जोड़ी महेश और गुड्डू के रूप में, प्रतीक पाटिल उर्फ गुड्डू। लेकिन ऐसे में देखा जाए तो बिल्कुल दो गेंदों में छह आए थे, लेकिन उसके बाद तकरीबन डॉट गेंद निकालने की कोशिश की गेंदबाज निखिल नाइक के माध्यम से। फिर से एक बार ये देखिए, टालने का प्रयास था, ऑन साइड में स्क्रीन को खेला, बिल्कुल लॉन्ग रन की तरफ, शानदार गेंद से बारे का बाहर, शानदार चौका। हेलो, कुलवाड़ी के हमारे अशोक भोईर यहां पर आए हैं, उनसे गुजारिश है कि आइए मंच के ऊपर, आपका स्वागत है। और हमारे जयदेव पाटिल, उनसे गुजारिश है कि आइए मंच के ऊपर मुरबी के, और कुलवाड़ी के अशोक भोईर। लेकिन ये देखिए बिल्कुल मिस फील्ड होती भी, गली की तरफ एक मौका था, लेकिन मौका यहां पर छोड़ा, और ऐसे में देखा जाए तो बिल्कुल 10 रन है स्कोर कार्ड के ऊपर। अशोक भोईर विनंती मंच आयोजक अपना विनंती के लिए जाता है। इस बीच देखिए शानदार, बिल्कुल स्क्रीन की तरफ गेंद को खेला छे के लिए। तो बिल्कुल इसके बाद मुकाबला हम देखेंगे नितलस विपक्ष बेलवली, और नितलस से भी यहां पर खिलाड़ी आए हैं, तो वो अपनी उपस्थिति दिखाए और बेलवली के, तो देखना यहां से एमबी पाटिल, इनसे गुजारिश है कि आपको भी आना है मंच के ऊपर, आयोजनकर्ता की तरफ से आपको सूचित किया जाता है कि आइए मंच के ऊपर, और मंच के ऊपर आकर तशरीफ रखिए। हमारे शंकर मात्रे भी यहाँ पर लाइव देख रहे हैं, उन्होंने भी इस टूर्नामेंट को शुभकामनाएं बयान की हैं। तो देखना यहाँ से पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ, 16 रन मुंबई टीम के स्कोर कार्ड के ऊपर। इस बीच गुड्डू ने इस गेंद को खेला, लेकिन गेंद गई आर पार सीमा पर, शानदार छक्का।
प्रतीक यहां पर बल्ले से निकलता हुआ एक नदखत ब्रस्ट्रोक देखने को मिला विकेट के ऊपर से पीछे देखिए थोड़े से आगे आए थे लेकिन बल्ले का निचला हिस्सा लेकिन गेंद निश्चित रूप में विकेट सामने देखने को मिले लेकिन वहां से एक रन बिल्कुल मुकम्मल किया और इसे एक रनों के साथ स्कोर आ चुका है 23 रनों के ऊपर। दूसरा ओवर चल रहा है गेंदबाज महेश अग्लावे के माध्यम से बिल्कुल महेश अग्लावे की बात करें तो एक अच्छा खिलाड़ी है बड़ा खिलाड़ी है नाम काफी बड़ा है क्रिकेट टेनिस में तो वही महेश का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया कोलवाड़ी के माध्यम से। कोलवाड़ी के हमारे एसोसिएशन के सदस्य और सह खजिंदर प्रमोद अग्लावे यदि यहाँ पर आए हैं तो उनसे गुजारिश है कि आइए मंच के ऊपर। महेश पाटिल आ गए थे लेकिन महेश ने महेश को आउट किया और यहाँ से देखा जाए तो हुआ पहला झटका उर्री टीम को। तो बल्लेबाजी में बल्लेबाज इस समय वन डाउन के ऊपर हमेशा स्पोर्टक प्लेयर्स देखे जाते हैं छब्बे खिलाड़ी तीसरे नंबर के ऊपर आता है तो क्रिकेट की परिभाषा में बड़ा खिलाड़ी माना जाता है स्पोर्टक प्लेयर्स और वही खिलाड़ी यानी कि इस समय मैदान के अंदर प्रवीण करावकर इस वक्त महेश अग्लावे को मिली सफलता महेश पाटिल का उन्होंने बोल्ड किया पहला छटका मिला मुरबी टीम को 23 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। ये देखिए थोड़े से आगे आए थे पैकपट का इस्तेमाल किया था फाइनल रीजन में खेलने की कोशिश लेकिन गेंद यहां पर ऑफसाइड के काफी एक्स्टम छोड़ते हुए वाइट करार देते हुए संपर्क संजय सावंत सर अतिरिक्त के रूप में एक रन। और ये देखिए फिर से एक बार गेंद थोड़ी सी स्लो और चेंज ऑफ स्पेस नजर आया बिल्कुल बल्लेबाज नहीं समझ पाया इरादे को नहीं भापा गेंदबाज के और ऐसे में एक डॉट गेंद की समाप्ति प्रवीण करावकर पहली गेंद डॉट यहां पर खेलते हुए। ये देखिए फिर से एक बार लाइन खराब इससे पहले अंदर की तरफ गेंद को यहां पर फेंका गया था लेकिन इस वक्त लाइन खराब नजर आई लेग साइड के रूप में यानी कि इस गेंद को देखा अंपायर ने वाइट करार दिया अतिरिक्त के रूप में एक रन की त्री स्कोर एक से आगे आता हुआ। ये देखिए किस तरह के खेल रहे हैं पता नहीं पर ऐसे में देखा जाए तो यानी कि दो बोल्ड के शोर में शानदार गेंदबाजी महेश अग्लावे के माध्यम से। तो देखा जाए तो दूसरे विकेट का पतन प्रवीण करावकर के रूप में लगता हुआ दूसरा छटका इस वक्त मुरबी टीम को 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। गेंदबाजी की बात करें तो पहले गेंद के ऊपर नजाकत स्ट्रोक देखने को मिला था यानी कि प्रतीक पाटिल के रूप में और प्रतीक ने दूसरी गेंद के ऊपर एक सिंगल ली गेंद के ऊपर गए लेकिन उसके बाद तीसरी गेंद के ऊपर विकेट निकाला चौथी गेंद वाइड पे की थी फिर डॉट गेंद फिर वाइड फिर विकेट एक अच्छा प्रयास किया जा रहा है गेंदबाज महेश अग्लावे के माध्यम से। इस बीच संदेश अग्लावे संदेश करावकर सॉरी रूबी टीम की तरफ से देखिए जगह से खेलने की कोशिश बिल्कुल बीट किया और एक और डॉट गेंद की समाप्ति शानदार गेंदबाजी इस वक्त महेश के रूप में नजर आई है।
तो स्कोर यहां पर हो चुका है 200 ओवर की समाप्ति के बाद 25 रन 25, यानी कि दो ओवर की बात करें तो पहला ओवर फेंका था निखिल नायक ने, जिन्होंने 16 रन खर्च किए थे। उसके बाद गेंदबाजी की थी महेश अगलावे ने, महेश अगलावे के पहली गेंद के ऊपर शानदार छक्का देखा था, लेकिन उसके बाद महेश ने काफी किफायती गेंदबाजी की, पीछे के 5 गेंदों में जिसमें 2 वाइड भी फेंके थे और कुल मिलाकर 3 रन उन्होंने पीछे के 5 गेंदों में खर्च किए और उसमें 2 सफलता भी प्राप्त की, यानी कि कुल मिलाकर 9 रन खर्च किए इस दूसरे ओवर में। लेकिन गेंदबाजी में आप रविंद्र भोईर आए हैं, एक अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन हमारे रायगढ़ क्रिकेट समालोचक एसोसिएशन के वो सलाहकार हैं, लेकिन आज भी एक सीनियर खिलाड़ी के नाम से जाने जाते हैं, कुलवाड़ी टीम के लिए हमेशा योगदान दिया है। तो देखना है रविंद्र भोईर इस समय गेंदबाजी के तौर पे सामने बल्लेबाज प्रतीक मनोज हमारे साथ स्कोरिंग की भूमिका में, 3 दिन अच्छा सपोर्ट उनके ओर से भी देखने को मिल रहा है, 3 स्कोरर है यहाँ पर हमारे स्कोरिंग करते हुए रविंद्र भोईर। इस बीच लोअर फुल टॉस गेम थी, बिल्कुल इस गेम को खेला, गोली की रफ्तार नजर आई, गेंद से मारे का बाहर, शानदार चौका। तो देखना है पहले गेंद के ऊपर चौका आया गुड्डू के बल्ले से निकलता हुआ शानदार चौका, फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट गुड्डू आया गया है, लेकिन यहां से देखा जाए तो एक स्टंप छोड़ते भी गेंद, और इस बीच हमारे मंच के ऊपर जिनका आगमन हो रहा है शेतकरी कामगार पक्ष के एक बेहतरीन नेतृत्व में, हमेशा हम खारगर एरिया में जिन्हें देखते हैं, खारगर ग्राम पंचायत के माजी सरपंच आदरणीय संतोष तांबोली, इनका यहाँ पर आगमन होता हुआ। वेलकम संतोष तांबोली साहब, स्वागत है आपका इस मंच के ऊपर। आह क्या बात है, क्लास यहाँ पर बिल्कुल टाइमिंग यहाँ पर दिखाया, गेंद सीमा पर 6 रन। हेलो, तो तड अंपायर की मांग, तो तड अंपायर के लिए जाना है। अभी तक गेंदों की बात करें तो बिल्कुल 2 गेंदे फेंक चुके रविंद्र भोईर, जिनके ऊपर एक अच्छा आक्रामक स्ट्रोक देखने को मिल रहे हैं। तड अंपायर नहीं लेना है, अंपायर तो आना है आपको बाहर। हेलो, तो रविंद्र भोईर इस समय गेंदबाजी का मुजारा कर रहे हैं, देखना है सामने संदेश करावकर। इस पीछे गेंद थोड़ी सी ब्लॉक हॉल में इस गेंद को फेंका था, लेकिन बेहतरीन बढ़िया प्रयास यहां पर, बिल्कुल छलांग लगा, अंत ओक के ऊपर गेंद ऊंची उड़ी थी, और ऐसे में देखा जाए तो बिल्कुल उस गेंद को रोकने में सफल हुए और महेश अगलावे, शानदार फील्डिंग। रविंद्र भोईर की बात करें तो बिल्कुल अच्छा प्रयास दे रहे हैं, स्कोर कार्ड के ऊपर रन आ चुके हैं तकरीबन 38 रन। फिर से एक बार आगे, लेकिन यहां से लॉफ किया इस गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार हवाई सफर 6 रन। सही तुझे मी जत्रला, सही तक
आताच नाही ना मी येईन तुझे मी जत्रला माझे गाव देवाईचे दादर गावाला माझे बहिणी देवाचे दादर गावाला सैता पाकच मैं। तो गुड्डू यहाँ पर एक आक्रामक पारी खेलते हुए रविंद्र भोईर के ऊपर बिल्कुल अटैक देखने को मिल रहा है। स्कोर कार्ड के ऊपर रहना है 44 एक अच्छे टारगेट में समय तब्दीली होती हुई लोअर फुल टॉस गेंद बिल्कुल लॉन्ग आउट की तरफ फिर से एक बार चौथी मरतबा गेंद को रोकते हुए महेश अगलावे। इसी के साथ ओवर की समाप्ति एने की पहले तीन ओवर का खेल समाप्त हुआ। तीन ओवर के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर रन आ चुके हैं 45 रन 45 हमारे मंच के ऊपर इस टूर्नामेंट के आधा स्तंभ बीडीबी मात्रे साहब इस मंच के ऊपर तशरीफ पर लाते हुए और आज जिनका आगमन हुआ खरगर ग्राम पंचायत के माजी सरपंच एक आदर्श व्यक्तिमत्व क्षेत्र कामगार पक्ष के सुनसार नेतृत्व संतोष तांबोली साहब का यहाँ पर आगमन होता हुआ हेलो तो देखना इस बीच फिर से एक बार गेंदबाजी में नए गेंदबाज का इस्तेमाल संदीप भोईर का इस्तेमाल किया है। देखना है संदीप भोईर गुड्डू के लिए आ गया है लेकिन यहां से लॉफ किया शानदार क्योंकि क्रिकेट में देखा जाए तो एक खिलाड़ी मैदान के अंदर लग जाता है तो अच्छे अच्छे रन बरसने लगते हैं। तो बिल्कुल यहां से गुड्डू ने मोर्चे को संभाला मुरबी टीम को उजाला देते हुए इस वक्त शानदार नजाकत भरा स्ट्रोक 6 के लिए। आठ गेंद में 31 रनों की नायाब पारी अब तक खेलते हुए बल्लेबाज गुड्डू इसमें 4 छक्के शामिल। फिर से एक बार उठाने की कोशिश लेकिन इस बीच हवा में गेंद लॉन्ग आउट की तरफ लेकिन बढ़िया बेहतरीन शानदार कैच सतीश आगड़ावे वहां पर और इसी के साथ गुड्डू के पारी का तो स्कोर की बात करें तो 50 रन छू चुकी है मुरबी टीम 51 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अब संकेत पाटे इस समय मैदान के अंदर संदीप भोईर की गेंद फाइनल क्रीतन में खेलना चाह रहे थे लेकिन काफी यहां पर संदेश करावकर जो चौथे नंबर के ऊपर आए हैं लेकिन फिर भी 4 गेंदों का सामना किया 2 का योगदान यानी कि काफी ज्यादा डॉट गेंदे खेलते हुए इस पीछे के लॉन्ग आउट की तरफ इस गेंद को खेला लेकिन ये देखिए थोड़ी सी आउटफील्ड फास्ट थी गेंद उछली और ऐसे में 4 मिले और 4 रनों के साथ स्कोर आ चुका है 55 रनों के ऊपर। तो देखना इस बीच फिर से एक बार ये देखिए हवा में गेंद और ये देखिए एक आसान सा कैच और दूसरी रन की कोशिश और ये देखिए क्या आउट होने की संभावना वहां पर 2 रन मिले और बिल्कुल इन 2 रनों के साथ स्कोर 2 से आ गया था हुआ 57 के ऊपर आ चुका है। एक गलती काफी महंगी बनती है क्योंकि अंतिम में जब चेसिंग के लिए आप जाते हैं तब एक एक रन का हिसाब लिया जाता है किस तरह से आपने खर्च किए इसका पूरा हिसाब दिया जाता है तो बिल्कुल ये 2 रन काफी महंगे भी बन सकते हैं। इस बीच ये देखिए उठाने की कोशिश लेकिन इसी के साथ ओवर की समाप्ति यानी कि 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 4 ओवर के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर रन आ चुके 57 रन यानी कि जीत के लिए 58 रनों की
जरूरत। तो देखना 58 का लक्ष्य किस तरह से पूरा किया जाता है, इसका विवरण रोशन के पास चलेंगे। तो राजेश कातारा आपको यहां पर आना है, गौरी स्पोर्ट के कप्तान राजेश कातारा। सन्माननीय पाहुणे माजी सरपंच संतोषजी तांबोळी यांचं हे स्पर्धेच्या माध्यमातून सत्कार केला जातोय। अतिशय खारघर एरियामध्ये ज्यांचं नेतृत्व पाहिलं आम्ही, त्यांचं या शृंखलेच्या माध्यमातून सन्माननीय आमचे निश्चितच आधारस्तंभ भाई डी बी भाई मात्रे यांच्या माध्यमातून त्यांचा सत्कार केला जातोय। तर सामना पाहतोय आपण, एका बाजूला गावदेवी ओम साई कोलवाडी, तर दुसऱ्या बाजूला विरुद्ध संघ असेल तो जय दुर्गा मुरबी। या दोन संघामध्ये आपण काटे की टक्कर पाहू शकाल, अतिशय रंगदार सामना। तर एका बाजूला मुरबी गावाची ओळख पाहिली तर आमचे रायगड समालोचन असोसिएशनचे अध्यक्ष सन्माननीय सर संदीपजी पाटील, त्यानंतर सुनील पाटील हे पंच, निश्चितच मुरबी गावची ओळख आहे। त्रिका बाजूला पाहिलं आपण गावदेवी ओम साई कोलवाडी या गावची ओळख पाहिली तर आमचे एक मराठी आणि हिंदीचे समालोचक नरेजी सर भोईर, त्यानंतर रवींद्र सर भोईर नक्की सल्लागार रायगड समालोचन असोसिएशन, त्यानंतर प्रमोदजी अगलावे पोलीस पाटील आणि सध्यक्ष आणि सहकजिनदार रायगड समालोचन असोसिएशन, या सर्व या स्पर्धेच्या माध्यमातून या सर्वांचे मी आभार व्यक्त करतोय। तर सन्माननीय पाहुणे रामदासजी गोंधळी यांना विनंती करतो, या आपण मंचावरती आपलं या स्पर्धेच्या माध्यमातून सहर्ष स्वागत केलं जाते। डीजे थोडा आवाज द्यायचा आपण, निश्चितच आज स्पर्धेचा अंतिम दिवस पाहू शकाल आणि आज ही दुसरी लढाई निश्चितच एका बाजूला गावदेवी ओम साई कोलवाडी तर दुसऱ्या बाजूला पाहू शकाल जय दुर्गा मुरबी। हे क्रिकेट थरार क्रिकेटची लढाई या दोन संघांच्या दरम्यान। सुनीलजी पाटील आपलं सुद्धा या स्पर्धेच्या माध्यमातून सहर्ष स्वागत। दोन्ही संघांचे 12 प्रतिनिधी, मुरबी संघ आपला 12 खेळाडू आपण लगेच जायचंय। तर पहिला गोलंदाज महेश जोतोय, पहिल्या चेंडूवरती आक्रमक रवैया, नक्कीच सर्कलच्या रेस्ट्रिक्शन मध्ये चेंडूची अडवणी केली जाते, निश्चितच चांगली गोलंदाजी, नक्कीच गोलंदाजी पाहू शकाल, चांगली लाईन आणि लेंथ गोलंदाजी करताना महेश पाटील पहिला चेंडू निर्धा फेकला जातोय। फलंदाज सज्ज विकी अगला वेला निश्चित शांत ठेवलं जाते। ज्या रीतीने पाहिलं आपण 57 धावा ठोकल्या, 58 धावांची गरज आहे जिंकण्यासाठी गावदेवी ओमसाई कोरवडी संघाला। ज्या रीतीने आपण पाहिलं होतं जयदुर्गा मुरबी संघाच्या माध्यमातून पहिल्या षटकामध्ये 16 धावा, तशा प्रकारचा स्टार्ट देणे अतिशय गरजेचं असेल।
मात्र वारंवार शांत ठेवले जात आहे फलंदाजीच्या मार्गावर विकी अगलामे यासारख्या मोठ्या फलंदाजाला या ठिकाणी गोलंदाज महेश पाटीलच्या माध्यमातून शांत ठेवले जात आहे. बॅक टू बॅक विचार केला तीन चेंडू निश्चितच निर्धा फेकले जात आहेत या गोलंदाज महेश पाटीलच्या माध्यमातून अतिशय सुरेख लाईन लेंथ गोलंदाजी करताना. त्यानंतर हा निश्चितच चौथा चेंडू टॅप केला जातोय क्षेत्र रक्षक तैनात असेल माझा चेंडू जातोय सीमापलीकडे शानदार चौकार. तर चौकार खेचला जातोय फलंदाजाच्या माध्यमातून. ज्या फलंदाजाला तीन चेंडू निर्धा फेकले गेले होते त्यानंतर फलंदाजानं रौद्र रूप धारण केलं त्यानंतर चौकार खेचला त्यानंतर या ठिकाणी पाहिलं तर स्ट्राईक रोटेट होती स्ट्राईकला फलंदाज येतोय महेश आगलावे संघ जाऊन पोहोचतोय पाच या धावसंख्येवर जिंकण्याचा विचार केला. 58 धावांची गरज असताना एक दमदार सुरुवात पाहू शकाल पहिल्या गोलंदाजाच्या माध्यमातून. त्यानंतर फलंदाजन अधिराज्य गाजवलं निश्चित शांत ठेवलं जात आहे पहिल्या विकेटचं पतन मोहराबाद होतोय महेश अगलावे तंबूच्या दिशेनं. पहिला मोहरा इथे मात्र बाद होताना पाहू शकाल महेश अगलावे हा पहिला चेंडू वर नक्कीच बाद झाला जर्तीने पाहिला पण त्या षटकातील तास तो शेवटचा चेंडू होता आता पहिला चेंडू खेळत असताना मात्र विकेटचं पतन झालं. गोलंदाजीच्या मार्कर साजेश हा गोलंदाज गोलंदाजीच्या बहुल्यावरती पाहू शकाल एक साजेशी गोलंदाजी करेल का तर पहिल्या गोलंदाजाने कमाल धमाल मालामाल गोलंदाजी पेश केली त्यानंतर साजेशच्या खांद्यावरती पूर्णपणे दारोमदार असेल या गोलंदाजाच्या हातामध्ये कशा प्रकारे कलाटणी येईल या सामन्याकडे हे पाहणं अतिशय रोमहर्षक असेल. पहिल्या चेंडूवरती प्रतियाला चढवला जातोय चेंडू जाईल सीमा पलीकडे साधावांसाठी. जबरदस्त प्रहार करवला जातोय फलंदाजीच्या मार्कवर चढाई करताना विकी अगलावे ना आपल्या भाट्यामधून एक चौकार एक षटकार ठोकला जातोय लगेच चेंडूची पूर्तता करायची चांगला फटका परावर्तित केला गेला तो विकीच्या माध्यमातून संघ जाऊन पोहोचतोय तो 11 या धावसंख्येवरती येणारे 17 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 47 धावांची गरज आहे. अजून पर्यंत जर पाहिलं तर दिल्ली आणि अहमदाबाद अजून पर्यंत दूर असेल ज्या रीतीनं पाहिलं तर बुलेट ट्रेनचा प्रवास असेल आणि तो प्रवास गाठला जातोय एकट्या विकी अगलावेच्या माध्यमातून. तर नवीन चेंडूची पूर्तता करा आपण लगेचच रोशन नक्कीच आमचे तिसरे पंच असतील आज या सामन्याच्या दरम्यान. पहिल्या षटकामध्ये आपण पाहिल्या तब्बल 5 धावा त्यानंतर साजेशला अतिशय साजेशी खेळ करणं अतिशय गरजेचं असेल. तर बाबाजी गावचे ग्रामस्थ श्रीपत शेठ पाटील यांना विनंती करतो या आपण मंचावरती आपलं सहज स्वागत केलं जाईल या शृंखलेच्या माध्यमातून. त्यानंतरचा हा चेंडू बॅट चिकटा चेंडू जाईल सीमा पलीकडे मात्र त्या ठिकाणी थोडस आउटफील्ड करा तिथे मात्र चेंडूला रोखलं जात आहे ज्या ठिकाणी काय गरज होती का निश्चित धाव घेण्याची त्या ठिकाणी मात्र आत्महत्या घडली जाते. अजून एक दुसरा करारा झटका गावदेवी ओमसाई कोलवाडी संघाला.
तर 13 धावा धावपुस्तकावरती जमा होताना म्हणून जर येणारे चेंडू पाहिले तर येणारे चेंडू असतील 16 आणि जिंकण्यासाठी 45 धावांची गरज आहे. प्राप्ती डिजिटल लाईव्ह च्या माध्यमातून ही स्पर्धा कव्हर केली जातीये. संदेश त्यानंतर सुजयदादा त्यानंतर आदू यांच्या माध्यमातून ही स्पर्धेला कव्हर केलं जात आहे प्राप्ती डिजिटल लाईव्ह. तर 16 चेंडू 45 धावांची गरज आहे. दोन फलंदाजांना मात्र माघारी पडतावं लागलंय. मात्र ज्या साजिशला पहिल्या चेंडूमध्ये षटका ठोकला तो साजिश मात्र साजिशी कामगिरी करताना निश्चित. जय दुर्गा मुरबी संघासाठी. सिपशेट पाटील यांचं शुभागमन होत आहे. या शुक्लेमध्ये त्यांचं सहर्ष स्वागत केलं जाईल गावदेवी क्रिकेट संघ बाबांच्या माध्यमातून. त्यानंतर नक्कीच चांगला फटका टॅप केला जातोय. मात्र त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक तैनात होता. पहा निश्चितच चेडू चेंडू थोडा अडला होता. मात्र त्या ठिकाणी थोडीशी आपण युक्ती वापरणं अतिशय गरजेचं होतं क्षेत्ररक्षकाला. आणि या ठिकाणी लगावला जातोय अजून एक चौकार. तर संघ जाऊन पोहोचतोय ते 17 या धावसंख्येवरती. येणारे चेंडू 15 आणि 41 धावांची गरज जिंकण्यासाठी ती कुलवाडी संघाला. गोलंदाजाने निश्चितच मधले दोन चेंडू अतिशय सुरेख लाईनने फेकले होते. त्यानंतर नक्कीच टॅप करण्याचा प्रयत्न होता. तशाच प्रकारचा मागचा फटका परावर्तित करण्याचा प्रयत्न झाला. आणि त्यानंतर पाहिलं तर निर्धाव चेंडूची सांगता. येणारे चेंडू 14 जिंकण्यासाठी 41 धावांची गरज आहे. साजिश माध्यमातून एक षटकार आणि एक चौकार लगावला जातोय तो कोलवाडी संघाच्या प्रत्येक फलंदाजाच्या माध्यमातून. नीति मात्र थोड़ा चेंडू हवे मध्ये पाहू शकाल. मात्र थोड़ा सा व्यत्यय आला निश्चितच आपण पाहिलं या क्षेत्ररक्षकाला. नीति मात्र झेल भूमिदान होताना पाहिला. धावसंख्या धावफलकावरती आकार घेणार एक संघ जाऊन पोहोचतोय 18 या धावसंख्येवरती. येणारे 13 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 40 धावांची गरज आहे. ज्या रीतीने पाहिलं आपण प्रत्येक गोलंदाजाने धावांचा आंबार खडा केला मात्र रोखण्याचा प्रयत्न निश्चितच केला जातोय. या ठिकाणी पुन्हा एकदा बॅट चिकडा फलंदाज बाद होतोय. अजून एक करावा झटका तो कोलवाडी संघाला. तर दोन षटकांचा खेळ संपन्न होतोय. दोन षटकांच्या खेळीनंतर गावदेवी ओमसाई कोलवाडी संघ जाऊन पोहोचलाय. तो 18 घरामध्ये. येणारे 12 चेंडू जिंकण्यासाठी 40 धावांची गरज आहे. प्रति षटका गणिक 20-20 सरासरीनं धावा ठोकायच्या आहेत त्या कोलवाडी संघाला. माझ्या पहिल्या गोलंदाजाने दिल्या फक्त 5 धावा. एका फलंदाजाची बंबी रिडवली. त्यानंतर पाहिलं आपण साजेशच्या माध्यमातून अतिशय तीक्ष्ण मारा केला या गोलंदाजानं. भले एक षटकार आणि एक चौकार लागला मात्र शेवट या गोलंदाजानं निश्चितच गोड केला. जशा प्रकारे महेश पाटीलनं शेवट गोड केला तशा प्रकारे साजेशन सुद्धा जय दुर्गा मुरबी संघासाठी निश्चितच शेवट गोड केला. तो 6 चेंडूचा दोन षटकाचा खेळ होतो. संघ जाऊन पोहोचतोय तो 18 या धावसंख्येवरती. येणारे 12 चेंडू जिंकण्यासाठी ती 40 धावांची गरज आहे. नक्कीच सुधीर अगला यांच्या माध्यमातून व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून ही अपडेट पाहू शकाल. त्यांच्या कार्याला सलाम. 12 चेंडू जिंकण्यासाठी 40 धावांची गरज आहे. तर गोलंदाजीच्या मार्कवर गुड्डू हा गोलंदाज. गोलंदाजीच्या मार्कवर येताना लाल जर्सी परिधान केलेला हा गोलंदाज कितपत विश्वघातक ठरतोय पाहणं अतिशय गरजेचं. निश्चितच या चेंडूमध्ये प्रत्याला चढवण्याचा प्रयत्न चेंडू हवे मात्र या ठिकाणी जेल सुटली जाती आहे. ज्या रीतीने पाहिलं आपण या दोन फलंदाजांच्या कांद्यावरती दारो मदन असताना एक दमदार फटकेबाजी करण्याचा इरादा त्या इरिशेने हे पेटून उठलेले दोन फलंदाज पाहिले. संघ जाऊन पोहोचतोय 21-21 जावा धावपुस्तकावरती. येणारे 11 चेंडू जिंकण्यासाठी 37 जावांची गरज.
मात्र या चेंडूची आपण लाईन आणलेलं अतिशय सुरेख पाहिली. फलंदाजाला वाटलं की हा चेंडू निश्चितच वाया जाईल, तसं मात्र घडलं नाहीये. ह्या चेंडूची सोडणी केली यशरक्षकाच्या माध्यमातून, चेंडूला कॅदर केलं गेलं. निर्धार चेंडूची सांगता पाहू शकाल. पुढची पेशकश प्रतियाला चढवण्याचा प्रयत्न क्षेत्ररक्षक तैनात, आणि या ठिकाणी लाजवाब निश्चितच जेल पकडला जातोय. अजून एक मोठा झटका कोलवाडी संघाला. नऊ चेंडू जिंकण्यासाठी 37 धावांची गरज आहे. मोठा पल्ला गाठायचा अजूनपर्यंत. जो हर्बर लाइनर जो प्रवास पाहू शकाल तो बुलेट ट्रेन ने करावा लागेल. तो या ठिकाणी गावदेवी ओमसाई कोलवाडी संघाला येणारी नऊ चेंडू 37 धावांची गरज आहे. फलंदाजीच्या मार्गावर फलंदाज पाहू शकाल संदीप बोईरला मोठे फटके दाखवावे लागतील. ऑफ ड्राईव्हचा हा फटका त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. एकदा पुन्हा केली दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न. या ठिकाणी पुन्हा एकदा आत्महत्या घडली जाते. अजून एक करारा झटका. नक्कीच सन्माननीय पाहुणे मदन शेठ कोहली यांचं या स्पर्धेच्या माध्यमातून सहर्ष स्वागत केलं जात आहे. येणारे निश्चितच आठ चेंडू आणि जिंकण्यासाठी गरज असेल ती 36 धावांची. 8-36 समीकरण वारंवार विकेटचं पतन पाहिलं. सामना पाहिला पहिल्या षटकामध्ये महेश पाटीलच्या धावा येणं अतिशय गरजेचं होतं. फक्त आल्या 5 धावा. तर 8 चेंडू जिंकण्यासाठी 36 धावांची गरज आहे. नक्कीच पुन्हा एकदा निर्धार चेंडूची सांगता पाहू शकाल. अतिशय तीक्ष्ण मारा केला जातोय. गोलंदाज प्रतीक पाटीलच्या माध्यमातून मोठ्या आव्हानाचा पाठलाग करायचा अजूनपर्यंत कोलवाडी संघाला. 7 चेंडू 36 धावांची गरज. त्यानंतरचा हा फटका चेंडू हवेमध्ये पाहू शकाल. हवाई सफर नो मॅन्स लँड किती मात्र क्षेत्ररक्षक पोहोचला गेला. या ठिकाणी शांत क्रिकेट दाखवलं जातोय ते गावदेवी संघाच्या माध्यमातून. गावदेवी उमसाई कोलवाडी संघ एक बाजूला, जय दुर्गा मुरबी या दोन संघामध्ये आपण रणसंग्राम पाहू शकाल. येणारे चेंडूचा विचार केला, येणारे चेंडू असतील निश्चित 6 जिंकण्यासाठी 35 धावांची दरकार. 6 चेंडू 35 समीकरण. तर पुढचा सामना असेल नितळस आणि बेलोली संघाचा कर्णधार आपण नाणेफेकीच्या कौलासाठी यायचं. 7-35 समीकरण. इथे माझा प्रहार करण्याचा प्रयत्न केला जातोय. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक पोहोचला जाईल का? निश्चित क्षेत्ररक्षक जात असताना मात्र त्याला भेदून चेंडू सीमा पलीकडे 4 धावांसाठी फेकून दिलाय. संधी वेळेच्या माध्यमातून नक्की पार केला जातोय. 5 चेंडू 31 धावांची गरज आहे. या ठिकाणी पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. स्क्वेअर लेगच्या दिशेमध्ये नक्की चेंडू टोलवण्याचा प्रयत्न पाहिला. त्या ठिकाणी ज्या रीतीनं 2 धावा ठोकल्या गेल्या, 2 धावेनं सांघिक कोटा भरला जातोय. संघाची धाव संघ धाव पुस्तकावरती 29-29 धावा. येणारे 4 चेंडू आणि 29 धावेची गरज आहे. 4 चेंडू 29 समीकरण. या ठिकाणी प्रत्याला करण्याचा प्रयत्न होता, मात्र फलंदाजाला या ठिकाणी शांत ठेवलं जात आहे. जो फलंदाज पाहिला आम्ही 5 क्रमांकाचा संदीप बोईरला, ज्याच्या माध्यमातून नक्कीच मोठे प्रहार करण्याचा प्रयत्न पाहिला. येणारे 4 चेंडू जिंकले 3 चेंडू असतील जिंकण्यासाठी 29 धावांची गरज होती. पुन्हा एकदा शांत ठेवलं जाते शांत क्रिकेटचा मुजोरा. आणि इथे मात्र पुन्हा एकदा आत्महत्या घडली जाते. फलंदाज बाद DJ
पांच समीकरण कसे झाले 7 चेंडू 36 त्यानंतर 7 चेंडू 35 त्यानंतर 5 चेंडू 31 त्यानंतर 4 चेंडू 29 पहिले इथे मात्र की शांत क्रिकेट अजून एक विकेटचं पतन फलंदाज या ठिकाणी बाद होतोय एका चेंडूचा फक्त खेळ शिल्लक असेल एकाच चेंडू मध्ये जिंकण्यासाठी 29 धावांची गरज आहे तर निश्चितच फलंदाज सज्ज होतोय पूर्णपणे विजयाच्या अधीन जाताना आपण जय दुर्गा मुरबी संघाला पाहू शकाल या ठिकाणी विजय संपादन करतोय जय दुर्गा मुरबी क्रिकेट संघ लावके कडक कडक कडक